रहने के लिए कोई परचेज करना चाहता है अपना रेजिडेंट के लिए, तो यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज होंगी, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऐसा कुछ? बिल्कुल, सब चीज़ यहाँ पे, सब चीज़ अवेलेबल है। अभी अभी हमारा आपके पास में टप्पल सिटी है, तो यहीं पे आपके स्कूल कॉलेज ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ले रहे हैं। हाँ जी, तो मतलब इन्वेस्टमेंट अभी नहीं तो 4-5 साल बाद तो इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। आप 3 से 4 गुना 5 गुना ज्यादा आपको रिफंड होने वाला है पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पानी सीवर ये कंपनी आपको प्रोवाइड करा के देती है 2 से 2.5 साल के अंदर। तो सर उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रहते हैं या? नहीं नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, वो सब कंपनी का रहता है। उसके अलावा कोई, मोदी जी और योगी जी जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, भूमि पूजन, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइमलाइट है, लाइट बहुत ज्यादा उसमें है। 30% पेमेंट होते ही जैसे ही आप ऑनलाइन इन्वेंटरी चेक करते हैं तो आपका प्लॉट पे ऑनलाइन नाम शो हो जाता है। बाकी का जो 70% अमाउंट रहता है वो आपका 30 महीने की इंस्टॉलमेंट होता है विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट पेनल्टी, यानी कि कोई ब्याज नहीं रहता, कोई पेनल्टी नहीं रहती अगर आप किसी महीने इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते। मैक्सिमम 30 महीने। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट साइट पर लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरे में रश भी नजर आ रहा होगा। ये जो साइट है बहुत ही ज्यादा अच्छी साइट है, जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल नियर बाय आपको मिलने वाली है। यूपी स्टेट के अंडर ये साइट आती है। पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ कि यहाँ पे आप अपने प्लॉट या जमीन कैसे परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बता दूँ जो जिनसे आज मैं मिलवाने वाली हूँ वो है INS बिल्डटेक कंपनी के AGM, उनसे पहले मैं मिलवा देती हूँ एंड देन हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया, आप बताइए। सर अपना नाम और फर्म के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम अमन है। हाँ जी। और मैं INS बिल्डटेक में एज ए AGM हूँ, और हमारी कंपनी देखिए 2015 से रजिस्टर्ड है, काम कर रही है, काम पहले से कर रही है लेकिन 2015 में प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। और इसके अलावा हमने अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है जेवर में चल रहा है, इसके अलावा हमने 180 एकड़ तकरीबन IMT सोना में सोल्ड किया है हमारा प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमारा डासना मसूरी गाजियाबाद में भी है। बट अभी जो हॉट केक चल रहा है अभी बहुत ज्यादा कह सकते हैं न्यूज में आजकल यही चल रहा है कि जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको पता चल रहा होगा कितना बड़ा प्लान है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सर जैसे मुझे दिख रहा है आप एक बार बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कितने टाइम देखिए टोटल ये जो प्रोजेक्ट है हमारा 413 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और अभी आपको पता ही होगा न्यूज में भी आ रहा है 25 नवंबर इसी महीने मोदी जी और योगी जी जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, भूमि पूजन, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइमलाइट है, लाइट बहुत ज्यादा उसमें हाईलाइट है। और अभी जो इसके रेट है और जो आफ्टर 25 नवंबर उसके बाद और रेट बढ़ने वाला है। मतलब ये सबसे बेस्ट पीरियड है यहाँ पे परचेज करने का, इन्वेस्ट करने का। ओके, तो सर थोड़ा हमें इनके बारे में बता दीजिए, मैं थोड़ा हम वॉक करके दिखा भी देते हैं कि क्या क्या व्यू है। और सर फैसिलिटीज आप बता दीजिए नियर बाय क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। ये जो सबसे बड़ी फैसिलिटीज तो और जो सबसे प्राइम वो है अभी तो एयरपोर्ट का ही है। जैसे ही एयरपोर्ट रनिंग में आ जाते हैं जाहिर सी बात है आप जैसे भाईपालपुर में हुआ है गुड़गांव में रेट पहले क्या थे और आप देख लीजिए अभी क्या पर है। तो ये सही यहाँ पे होने वाला है। अभी आपके सेक्टर 21 और सेक्टर 22 में आपकी फिल्म सिटी आ रही है, आपका फॉर्मूला 1 ट्रैक है, आपका नाइट सफारी आ रही है। बाकी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, गोदरेज है, पतंजलि ने तकरीबन 450 एकड़ प्रॉपर्टी लिया है इंडस्ट्री के लिए। सर यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट का अगर डिस्टेंस करें तो कितना दूर होगा इस साइड से? इस साइड से तकरीबन आप अगर देखते हैं तो यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर रहता है, 10 से 11 किलोमीटर इस वजह से रहता है क्योंकि जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है एयरपोर्ट की बाउंड्री के अराउंड 7 से 8 किलोमीटर तक किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। वहाँ की प्रॉपर्टी की, वहाँ की जमीन की गवर्नमेंट रजिस्ट्री होल्ड की हुई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वो किया है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा 7 से 8 किलोमीटर तक। इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट 10 से 11 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ मतलब अगर मोटा मोटा गए तो 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, सर जैसे अगर हम इसे रहने के लिए कोई परचेज करना चाहता है अपना रेजिडेंट के लिए तो यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज होंगी जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऐसा कुछ? बिल्कुल, सब चीज़ यहाँ पे, सब चीज़ अवेलेबल है। अभी अभी हमारा आपके पास में टप्पल सिटी है, तो यहीं पे आपके स्कूल कॉलेजेस हैं और इसके अलावा भी हमारी जो सोसाइटी यहाँ पे भी स्कूल कॉलेजेस बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए जैसे पेमेंट वो होता है आपका सोसाइटी आ जाती है, टाउन सोसाइटी भी नहीं टाउनशिप है, तो इसमें भी आपके स्कूल कॉलेजेस के लिए काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए। ठीक है, और सर स्कूल हो जाएगा, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स नियर बाय रहेंगे यहाँ पर सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टाउनशिप में हॉस्पिटल्स ऑलरेडी रहेंगे, आपके स्कूल
रहेंगे, कॉलेज रहेंगे, पार्क वगैरह सब चीज रहेगी। मतलब सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल रही है। आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ साइट का, यहाँ पे मुझे गेटेड्स भी नजर आए, मतलब गेटेड सोसाइटी बनने वाली है सर यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए मैम कंपनी आपको गेटेड सोसाइटी पूरे प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल करा के देती है, गेट बनाकर देती है। देखिए एंट्री गेट एक होता है टाउनशिप का, सोसाइटी का, और एग्जिट होते हैं काफी सारे, तो एक एंट्री गेट रहने वाला है, इसके अलावा एग्जिट काफी सारे रहने वाले। देखिए ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इन्होंने ले करके इसकी बाउंड्री भी करा ली है अपने प्लॉट की। इसके अलावा जो कंपनी आपको फैसिलिटीज देती है, आपको रोड, बिजली, पानी, सीवर, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करा के देती है 2 से 2.5 साल के अंदर। तो सर उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रहते हैं या? नहीं नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, वो सब कंपनी का रहता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता है। बाकी जैसे टाउनशिप आती है आपका RWA होता है, उनके खुद के रहते हैं, इसका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं रहता है कंपनी। ये सर जो रोड देख रहे हैं कितने फुट का रोड है? ये 40 फीट का रोड है, 40-40 फीट के रोड रहते हैं एंट्री के। उसके अलावा आपके 25-25 फीट के रोड रहते हैं सोसाइटी के, और 25 और 20 फीट के रोड रहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी रश है, गाड़ियाँ आ रही जा रही है, इतना अच्छा रोड है यानी कि आराम से यहाँ पे ट्रैफिक मूव ऑन कर सकते हैं। सर यहाँ पे जो बेसिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे जैसे बसेस होते हैं, ऑटोज होते हैं, वो सब मिल जाएंगे? देखिए आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे यमुना एक्सप्रेसवे है यहाँ पे, और ये आपका सीधा ही आपके सामने टप्पल पलवल हाईवे नजर आता है। अगर आप देखते थोड़ा आगे से नजर आ जाएगा, दरअसल यहाँ पे पेड़ वेड़ कुछ ज्यादा है, इस वजह से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन का, आप यहाँ से मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, आगरा जाइए, दिल्ली जाइए, आप जहाँ से भी चाहे अलीगढ़ चाहिए, पलवल जाइए, सब जगह का आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब आपको गाड़ी अवेलेबल हो जाती है। सर अब ये तो बात हो गई रेजिडेंट, अगर किसी को बना के यहाँ पे रहना है तो उसके लिए तो काफी सारी फैसिलिटीज हैं जैसा भी आपने बताया। अब सर जो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पर? देखिए इन्वेस्टमेंट का यही होता है, आप जैसे पेमेंट करते हैं, देखिए अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये नहीं होता कि आप आज ले रहे हैं, आप कल ही उसके बेनिफिट देखते हैं। जैसे एयरपोर्ट देखिए दिसंबर 2023 में पहला रनवे गवर्नमेंट को देना है और 2028 तक 8 रनवे देने, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट है, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट है आपका, वो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 4th नंबर का एयरपोर्ट है। 8 रनवे, क्योंकि अब तक 8 रनवे किसी भी एयरपोर्ट के नहीं है, इस वजह से ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और मोस्टली इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ले रहे हैं। तो मतलब इन्वेस्टमेंट अभी नहीं तो 4-5 साल बाद तो इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। आप 3 से 4 गुना 5 गुना ज्यादा आपको रिफंड होने वाला है पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तभी मुझे लग रहा है इतनी सारी भीड़ आई हुई है यहाँ पर। देखिए कितना क्राउड है, आप देख सकते हैं, अभी ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर और आपके प्रोजेक्ट को देखकर लोकेशन है वो पसंद आ रही है, इसी वजह से इतनी भीड़ आती है। ओके, अब सर मेन बात आ जाती है प्राइसेस की, क्योंकि हमने इतनी सारी फैसिलिटीज सुन ली, इन्वेस्टमेंट भी हमें लग रहा है कि काफी अच्छी है क्योंकि इंक्रीमेंट होने ही होने हैं, तो प्राइसेस की अगर हम बात करें क्या रहेगा यहाँ पर? देखिए जब ये हमारा प्रोजेक्ट 11 जुलाई में इसी साल लॉन्च हुआ 11 जुलाई में, तो इसके रेट थे हमारे पास 6,500 से लेकर के 7,200। उसके बाद एक्सटेंड प्रोजेक्ट भी एक्सटेंड होता गया और उसके रेट भी एक्सटेंड होता गया। अभी जो रेट चल रहे हैं इसके 7,600 से लेकर के 8,700 तक है, लेकिन जैसे ही एक्सटेंड होता है, ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, उसके रेट डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं और वे बढ़ते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता चले जाता है, वैसे रेट बढ़ते चले जाते हैं। मतलब पर गज का रेट आप बता रहे हैं 600 से स्टार्ट रहेगा? बिल्कुल, उसमें रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, रेजिडेंशियल के रेट अलग होते हैं, कमर्शियल के रेट अलग होते हैं। जहाँ से हम लोग आ रहे हैं 40 फीट के रोड है, 40 फीट से जैसे आप एंट्री करते हैं 25-25 फीट के रोड नजर आते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप 25 फीट से रहते हैं कॉलोनी के, वो 20-20 फीट के रोड रहते हैं। सर जैसे अभी आपने बताया 7600 पर गज है, अब इसमें जो प्लॉटिंग हो रही है वो मतलब मिनिमम हमें कितना गज खरीदना होगा? नहीं, आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए प्लॉट का साइज जो मिनिमम रहता है 50 गज रहता है कॉमर्शियल का, और रेसिडेंशियल का मिनिमम साइज रहता है 52 स्क्वायर यार्ड 52 गज का। इसके अलावा आप जितना भी चाहे 100 गज 200 गज 500 गज 1000 गज वो सब मिल जाता है, अकॉर्डिंग रहते हैं प्लॉट। अब सर बात आती है पेमेंट मोड की, हमें एक साथ पेमेंट पूरी करनी होगी या इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता है कुछ? जी बिल्कुल, देखिए जो पेमेंट मेथड मोड रहता है यहाँ पे वो रहता है कि आपको सिर्फ 30% पेमेंट करना होता है। 30% पेमेंट होते ही जैसे ही आप ऑनलाइन इन्वेंटरी चेक करते हैं तो आपका प्लॉट पे ऑनलाइन नाम शो हो जाता है, बाकी का जो 70% अमाउंट रहता है वो आपका 30 महीने की इंस्टॉलमेंट होता है विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट पेनल्टी, यानी कि कोई ब्याज नहीं रहता, कोई पेनल्टी नहीं रहती अगर आप किसी महीने इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते। मैक्सिमम 30 मंथ आपको मिल जाएगा, 30 मंथ 30% पेमेंट होते ही आपका आपका पोजीशन है, बाकी 10% और दीजिए आप तो आपकी रजिस्ट्री जैसे ही हो जाती है, रजिस्ट्री आपके हैंड ओवर कर दी जाती है, कंपनी सिर्फ प्रूफ के तौर पे आपकी म्यूटेशन अपने पास रखती है, जैसे ही पेमेंट आपका कंप्लीट होता है देन म्यूटेशन भी आपको दे दी जाती है। लेकिन मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैम इसमें, अगर आप ये कहते हैं कि 100% पेमेंट कर दे रहे हैं तो उसका मुझे क्या बेनिफिट होता है, तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट ये होता है कि जो कोई 100% पेमेंट विद इन 1 मंथ करता है तो उसमें
में ये होता है कि उसकी कंपनी रजिस्ट्री अपनी रजिस्ट्री चार्ज कंपनी पे करती है, ओके, सिर्फ आपको मोटेशन देना होता है। तो ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है, अगर आप एक साथ पे कर देते तब भी बेनिफिट है, और उन लोगों के लिए भी है जो एक साथ पे नहीं कर पाते तो उनके लिए भी 30 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है। कि ब्याज मुक्त है, हाँ, ब्याज आपको कोई नहीं लग रही और बीच में अगर कोई पेनल्टी नहीं, अगर कोई स्किप हो जाता है तो बिल्कुल। सर, जैसे हमें ये सारा इतना क्राउड नजर आ रहा है, सब गाड़ियों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो ये कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, खुद से हमें बियर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखिए ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरे डेली एनसीआर से कंपनी साइट विजिट फ्री देती है, ओके, उसमें आपके लिए कोई चार्जेबल नहीं रहता है, वो कम सब कंपनी पे करती है, ओके। आपका क्लाइंट कहीं से भी है, जो हम कंपनी उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी घर से पिक करते हैं और घर पे साइट विजिट कराने के बाद घर पे ड्रॉप करते हैं। तो सर उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि हमें लेना ही लेना होगा? नहीं नहीं, 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 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं। देखिए जब आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है, जाहिर सी बात है, आप तभी इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको, आप अगर आप आए हैं तो आपको लेना ही लेना है, आप अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई इशू नहीं है और आपके ऊपर कोई चार्जेबल भी नहीं रहेगा। सर कहीं से भी हम परचेज कर सकते हैं, जरूरी है दिल्ली एनसीआर हो या अदर स्टेट से भी है? आप पूरे, मैं कह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर से, क्या आप पूरे इंडिया से हमारी साइट विजिट फ्री रहती है, आप एक बार बस आ जाइए, दिल्ली तक आ जाइए, उसके अलावा कंपनी आपकी गाड़ी, आप कंपनी की गाड़ी आपको जिस लोकेशन पे आप भाई ट्रेन आते हैं या भाई एयर आते हैं, कंपनी की गाड़ी आपके पास पहुंच जाती है, देन आपको साइट विजिट कराते हैं और वहीं पे आपको ड्रॉप करते हैं, उसका आपके ऊपर कोई चार्जेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हो जाती है सर, आजकल चल रहा है लोगों को सेटिस्फाई आप कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत फ्रॉड चल रहे हैं कि हमने यहाँ परचेज किया है, वो हमारी जमीन किस टाइप से आप श्योरिटी दिलाएंगे उन्हें कि उन्हीं की है या कुछ भी डाउट होता है? ये रियल एस्टेट में डाउट आपका जाहिर सी बात है होना ही चाहिए और होता भी है, क्योंकि रियल एस्टेट में पहले ये फ्रॉड हुआ है कि एक एक प्लॉट को, एक एक प्रॉपर्टी को दो दो तीन तीन दफा बेचा है लोगों ने, बट यहाँ पे वो नहीं है, ये इस वजह से नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका 30% या 40% पेमेंट होता है तो ऑनलाइन आपका इन्वेंट्री जैसा आप चेक करते हैं तो प्लॉट पे ऑनलाइन आपका नाम शो हो जाता है, जैसे आपका नाम शो हो जाता है तो आपको डाउट ही क्लियर हो जाता है कि नहीं, अब मेरा नाम आ गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहा है। बाकी रजिस्ट्री का अगर आप देखते हैं कि रजिस्ट्री हो जी, वो तो एक अलग चीज है, रजिस्ट्री तो कोर्ट का प्रूफ है, हाँ जी, बट जब आपको ऑनलाइन नाम आ जाता है तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। सर जैसे जो एक बार बिक गया है वो जिस रेट में बिका है वो उसी रेट में आप ही करेगा उसको, अगर कोई उसके अलावा आपको जो कहता है कि मुझे पसंद आ रहा है, मुझे इसके 10 गुना रेट दे रहा हूँ मैं, तब ले लीजिए, तब भी नहीं मिलेगा वो आपको। सर जैसे अभी आपने कहा कि 30% पे आप जो है नाम दे देते हैं और 10% पे रजिस्ट्री, तो ये जो आप नाम बता रहे हैं ऑनलाइन हम 30% के बाद ही चेक कर सकते हैं या रजिस्ट्री के बाद चेक करेंगे? नहीं नहीं, 30% होता है आपका पोजीशन है, 30% पे आपका ऑनलाइन में इन्वेंटरी जैसा आप चेक करते हैं नाम आ जाता है, 30% पे आ जाता है, 40% पे तो रजिस्ट्री होती है। ठीक है, तो मतलब काफी अच्छा है, आजकल ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज है तो आप इजिली चेक कर सकते हैं, तो ये जो बहुत बड़ा डाउट है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन तब तक आपकी रहेगी जब पूरा EMI वगैरह कंप्लीट होने के बाद म्यूटेशन मिल जाएगी। बिल्कुल, हैंडओवर कर दी जाती है, रजिस्ट्री आपके 7-8 दिन के अंदर ही हैंडओवर कर दी जाती है। ठीक है, तो गाइस जैसे सर ने आपको डाउट्स भी सारे ही क्लियर कर दिए हैं, और भी सारे रियल स्टेट में इसमें प्रॉपर्टी में बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, एक डाउट ये भी है कि जो आप जमीन बेच रहे हैं वो किसके थ्रू होते हैं, मतलब डायरेक्ट आप किसानों की जमीन बेच रहे हैं किसानों से लेकर या आपके थ्रू वो सेल हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है मैम आपने किया है, जो इसका ये होता है, देखिए हमारी कंपनी जो जमीन बेचती है वो डायरेक्ट किसान से खरीद कर अपने नाम रजिस्ट्री कराती है, अगर आप उसको खरीदते हैं तो आपकी रजिस्ट्री ना कि किसान से होकर डायरेक्ट कंपनी से होगी, क्योंकि अगर किसान किससे अपने नाम रजिस्ट्री कंपनी करा लेती है तो किसान का तो रोल उसमें बिल्कुल एंड ही हो जाता है, किसान का कोई रोल नहीं रहता है, जैसे ही कंपनी रजिस्ट्री करती है क्लाइंट के नाम पे तो वो कंपनी की साइड से होते हैं ना कि किसान से, किसान बिल्कुल अलग हो जाता है उससे। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंपनी के पास रजिस्ट्री रहती है, आपको लीगलिटी जो भी चेक करनी होती है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जितनी भी आपको कंपनी की रजिस्ट्री चाहिए होती है वो हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, आपको सजरा नंबर, घाटा संख्या जो होता है खसरा नंबर बोलते हैं उसको, या आपको क्लाइंट की रजिस्ट्री चाहिए होती है हम लोग वही प्रोवाइड करा देते, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे, वो सब रहता है। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, मैंने कई जगह देखा है कि पहले पूरी कॉलोनिया बस जाती है एंड देन गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल नहीं है, तो ऐसा कुछ इशू तो नहीं आने वाला है? बिल्कुल सही, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, इसमें ये होता है, देखिए एक 143 और 86 हमारा जो कंपनी ने कराया 143 की ऑलरेडी अप्रूव्ड है ये, इसको रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में यानी कि कमर्शियल में आवासीय में कन्वर्ट करना होता है, तो 143 और 86 अप्रूव्ड है बाय कोर्ट। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं अगर कोई परचेज करना चाहता है, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए आपको सब चीज मिलेगी, इसके अलावा आपको यूपी जो ऑनलाइन गवर्नमेंट का रहता है कोर्ट का वो यूपी भूलेख पे होता है, यूपी भूलेख पे देखिए खसरा नंबर, इसका घाटा संख्या, वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ओके,
तो यहाँ पे तो सारी ही प्रॉब्लम जो है जितने मुझे लगता था, बिल्कुल आपकी ओके, तो जितने मुझे डाउट्स लगता था वो तो सारे क्लियर हो गए हैं। और साथ ही साथ जो प्राइस है वो बहुत ही ऑसम है और रश भी इतना नजर आ रहा है। इसके अगर प्राइस की बात करता हूँ, देखो जो हमारे प्रोजेक्ट के रेट है और इसके अलावा नियर बाय अगर आप देखते हैं तो इससे कहीं ज्यादा है। देखिए इस वजह से ज्यादा है और हमारे कम इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई डीलर वाला काम नहीं होता, सब कंपनी के एम्प्लॉय काम करते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय काम करते हैं तो सिर्फ सर्टेन मतलब निश्चित रेट होते हैं, ज्यादा नहीं होते। वो डीलर आपको लेता हो खाता है और देता हुआ भी मतलब है। अगर हम यहीं पे अगर अदर से कंपेयर करेंगे तो बहुत बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, बहुत कम रेट मिलेंगे, बहुत कम रेट मिलेंगे। ओके तो गाइज जैसे कि मैंने आपको सारी साइट विजिट करा दी, यहाँ पे मुझे काफी सारा क्राउड नजर आ रहा है, तो सर इसके बारे में आप मुझे बताएंगे क्राउड किस लिए है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे जो इतना क्राउड है वो यहाँ पे अपनी प्लॉट की प्रॉपर्टी की बुकिंग करा रहे हैं। ओके मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार कैसे होता है। जैसे आप बुकिंग कराते हैं, पेमेंट करते हैं 30% का, तो वैसे ही आपको पेमेंट की स्लिप मिल जाती है बाय प्रूफ। ओके मैं आपको एक बार दिखा देती हूं पहले लाइव की किस टाइप से चल रहा है यहाँ पे बुकिंग प्रोसेस। ये देखिए ये सब कंपनी के एम्प्लॉय है, जो कंपनी के आठ ऑफिस है, पूरा का पूरा स्टाफ ये यही रहता है। ठीक है, ये आपको जैसे ही आपका पेमेंट देखिए कितनी लाइन लगी है आपकी, वो बुकिंग कराने के लिए लाइन लग के होता है, क्योंकि अगर आप दो प्रॉपर्टी को देख करके 5 मिनट बाद आ रहे हैं, 2 मिनट बाद आ रहे हैं, जो आपने पसंद किया है वो कोई और ले चुका होता है तब से, इस वजह से इतनी लाइन और जल्दी कि पहले मेरा हो जाए पहले मेरा हो जाए। थोड़ा मैं आपको आगे जाना चाहूंगा तो यहाँ पे इसकी जनरेटर की आवाज आ रही है। देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम का ये रहता है आप जैसे भी आप चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं, बाई कैश कर सकते हैं, बाई चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, डीडी कर सकते हैं, मतलब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो उसका बस आप जैसे पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीन शॉट जो यूटीआर नंबर होता है वो हमारे साथ शेयर कर देते हैं, उसकी स्लिप आपको वैसे ही मिल जाती है। हर एक पेमेंट एक एक रुपए का पेमेंट जो आप करते हैं कंपनी को उसी की स्लिप आपको मिल जाती है, आपको कोई डाउट नहीं रहता कि आपका पैसा किसी गलत जगह जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो सारा मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पूरी साइट विजिट करा दी है, साइट बहुत ही अच्छी है, आपको क्राउड से पता चल रहा होगा कितनी इंटरेस्टिंग साइट है, प्राइसेस बहुत ही लाजवाब है। एडवाइस करूंगी कि एक बार विजिट जरूर करें क्योंकि विजिट का कोई चार्ज नहीं है, घर बैठे भी से कर सकते हैं, घर बैठे का कोई सब घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जो कंपनी की वेबसाइट है INS बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, आप उस पर जाकर के देख लीजिए, उसके बाद हमारी जो फिर आप उसमें प्लॉट अवेलेबिलिटी आते हैं, प्लॉट अवेलेबिलिटी में हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम होम, ड्रीम होम पे क्लिक कीजिए, फिर आपका आता है टाइप प्लॉट या शॉप, आप प्लॉट या शॉप देख लीजिए, फिर आप उसमें तीसरे नंबर पर आता है ब्लॉक, आप जिस ब्लॉक में देखते हैं उसमें ब्लॉक आपको शो हो जाता है। देखिए जो रेड हो चुका होता है उस पर नाम होता है मेंशन, वो बिक चुका होता है, जो ग्रीन होता है सिर्फ आपको आप सिर्फ उसी को खरीद सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी से ये है, सिर्फ जो ग्रीन है वो खरीद सकते हैं, जो एक बार बिक गया रेड हो चुका है उसको आप नहीं खरीद सकते, ये होता है। ठीक है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आई होप गाइस बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, एडवाइस करूंगी एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करें। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। INSBuildtech.com की वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे प्लॉट्स अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आता है, प्लॉट्स अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट्स खुल के आ जाते हैं, प्रोजेक्ट नंबर डालेंगे आप, जैसे कि ये हमारा INS ड्रीम होम्स है, उसके बाद आप यहाँ पे प्लॉट डालेंगे, प्लॉट या शॉप जो भी आपको चाहिए, उसके बाद नीचे जाएंगे आप ब्लॉक देखेंगे जो भी ब्लॉक में चेक करना है और शो कर देंगे, उसके बाद ये जो आपको रेड वाले प्लॉट दिख रहे हैं इन पे जो क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाता है मिनिमम 30% पेमेंट करते ही, और अगर आप देखेंगे जो ग्रीन वाले प्लॉट हैं ये सारे अवेलेबल हैं, आप ये ख़रीद सकते हैं और ग्रीन प्लॉट ही ख़रीद सकते हैं। जैसे ही आप ग्रीन प्लॉट को ख़रीदते हैं उस पर टोकन करते हैं, टोकन शो हो जाता है या पार्ट पेमेंट, और मिनिमम 30% पेमेंट आते ही आपका प्लॉट रेड हो जाता है और उसके ऊपर आपका नाम आ जाता है। तो प्लीज़ जो भी आपको पसंद आए ग्रीन प्लॉट आप बता दीजिए, कौन सा आप बुक कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं।